नवदीप शिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज खबर। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नवनियुक्त 6 जजेस आज शपथ लेंगे। न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और इसमें 6 नए जजेस ने शपथ लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक में आयोजित किया गया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने नए जजेस को शपथ दिलाई है और शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो कि जबलपुर से आ रही हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में ये शपथ ग्रहण समारोह किया गया है तो 6 नए जजेस को शपथ दिलाई गई है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने ये शपथ दिलाई है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं जो कि जबलपुर से आ रही हैं। जबल हाईकोर्ट में ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, आयोजित किया गया, जिसमें 6 नए जजेस को शपथ दिलाई गई। तो यहां आपको बता दें कि ये तस्वीरें जबलपुर की है जहां हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया और हाईकोर्ट को अब 6 नए जजेस और मिल गए हैं जिन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और खुद शपथ ग्रहण की। जबलपुर हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया जिसकी ये तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं, जबलपुर से ये तस्वीरें। तो बता दें कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया आज और यहां पर 6 नए जजेस ने शपथ ग्रहण की है। तो जबलपुर हाईकोर्ट को ये 6 नए जज मिल चुके हैं और इससे काफी काम जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि 6 जजेस की जो रिक्वायरमेंट है काफी समय से थी और अब 6 जजेस मिल चुके हैं जबलपुर हाईकोर्ट को और शपथ भी ले ली गई है। शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित हो चुका है। यहां आपको बता दें कि न्यायाधीश मलिमठ ने इन 6 जजेस को शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो कि जबलपुर से आ रही है। जबलपुर हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, तमाम तैयारियां की गई और उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहां कार्यक्रम रखा गया था। और यहां आपको बता दें कि सभागार में ये कार्यक्रम रखा गया है जहां 6 जजेस ने शपथ ग्रहण की है। तो जबलपुर हाईकोर्ट को अब नए 6 जजेस मिल चुके हैं और जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां न्यायाधीश मलिमठ ने इन 6 जजेस को शपथ ग्रहण करवाई। तो जबलपुर हाईकोर्ट को 6 जज मिल चुके हैं। साथ रहना चाहिए, अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखिए अभी तो एक कंपनी की वैक्सीन को DGCI की समिति ने अप्रूव किया है, अब केंद्र सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश आएंगे उसी के बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। जो दिशा निर्देश आएंगे हम उसका पालन करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यही कहा है कि जिस प्रकार से पोस्ट कोविड है, जो अति गंभीर बीमारियां होती हैं जिन्हें कोविड होता है, तो ऐसे समस्या को लेकर जो है सरकार की तरफ से लगातार इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही सावधानी बरत। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।